मेरे खुदा तू मेरी जिस्त मौत भर कर दे। मेरे खुदा तू मेरी जिस्त मौत भर कर दे। तू मेरे दिल पे मोहब्बत का वो असर कर दे। तू मेरे दिल पे मोहब्बत का वो असर कर दे। मैं एक बंदे नाचीज हूँ तेरा यार रब। मैं एक बंदे नाचीज हूँ तेरा यार रब। तू मुझको अपनी मोहब्बत में नाम वर कर दे। तू मुझको अपनी मोहब्बत में नामवर कर दे। फसाद फितना गरी हर तरफ है छाई हुई। फसाद फितना गरी हर तरफ है छाई हुई। तू दुश्मनाने उखुवत को बेजर कर दे। तू मेरे दिल पे मोहब्बत का वो असर कर दे। नाते पाक के चंद शेर में हाजिर कर रहा हूँ। हर नफस जिक्र इलाही है इबादत मेरी। हर नफस जिक्रे इलाही है इबादत मेरी। मिदहते सरवरे कौनेन है फितरत मेरी। मिदहते सरवरे। और हुस्ने मतलब भी नाते पाक का हाजिर कर रहा हूँ। दीनो ईमान मेरा और अकीदत मेरी। दीनो ईमान मेरा और अकीदत मेरी। हासिले कुल है शहदी से मोहब्बत मेरी। हासिले कुल है शहदी से मोहब्बत मेरी। और हाजिर कर रहा हूं शेर। कोई वहशी मुझे कहता है कोई सौदाई। कोई वहशी मुझे कहता है कोई सौदाई। आशिकी ने ये बना डाली है हालत मेरी। आशिकी ने ये। और मतलब भी हाजिर कर रहा हूँ। शाद जब से दरे अहमद है ठिकाना मेरा। शाद जब से दरे अहमद है ठिकाना मेरा। देखने को मलक आते हैं सुकूनत मेरी। मिदहते सरवरे।
नैन है फितरत मेरी हर नफस जिक्र। आज की ये महफिल सरोकार मंच के बहनों तले हो रही है। सरोकार मंच का काम साहित्यिक सांस्कृतिक हेल्थ से जुड़े हुए प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करना है, जो इस विधा में हैं उन लोगों को मंच प्रदान करना। ये काम है जन सरोकार मंच का, सराहनीय है कि भूर भूर प्रशंसा करता हूं। बलरामपुर जनपद, जहां अली सरदार जाफरी साहब, नानक चंद इशरत साहब मरहूम, पद्मश्री जनाब बेगल उत्साही साहब की सरजमी है, साहित्य और अदब का गहवारा बलरामपुर की सरजमी से मैं डॉक्टर अब्दुल सुबहान खां, शाद बलरामपुरी, जन सरोकार मंच से। जैसा मैंने बताया, जन सरोकार मंच से मैं मुखातिब हूँ। मेरी पैदाइश जनपद बलरामपुर इस सरजमी जो अदब का गहवारा है। मेरी इब्तदाई तालीम नॉर्मल स्कूल बलरामपुर जूनियर हाई स्कूल तक, उसके बाद 9 से इंटर तक एमपीपी इंटर कॉलेज, जिसको महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज कहा जाता है। उसके बाद एमएलके पीजी कॉलेज में मेरी बीसीए बीएससी 1980 में महारानी लाल कुंवर महाविद्यालय से मैंने बीएससी किया। उसके पश्चात डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए मैं सहारनपुर गवर्नमेंट कॉलेज में गया। फार्मेसी की तालीम मेरी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मेरा सिलेक्शन डॉक्टरी में हो गया लखनऊ में चक्रवर्ती तिब्बिया कॉलेज, जहां मैं 6 साल रहा। उसके बाद तालीम हासिल करने के बाद मैंने 12 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की। अल्लाह के फजल करम से सन 2001 में गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई हमारी, और सन 30 जून 2020 को मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद अपनी निजी क्लिनिक बलरामपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। ये तो हमारी तालीमी सलाहियत। बीएससी प्रीवियस में मैंने उर्दू से एक सब्जेक्ट पास किया, बीएससी फाइनल में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया। मेरे उस्ताद सैयद मरहूम सैयद अकबर असदुद्दीन साहब, उनके इंतकाल के बाद करनैलगंज गोंडा के मशहूर शायर जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब, जो मौजूदा दौर में हमारे उस्ताद हैं, सौ गजलों की एक किताब छपने के लिए प्रोसेस में है। मैंने ₹1985 में ये गजल कहा, जो मेरी मेरी पहली गजल है। अर्ज करता हूं, जिंदगी मसलहत की दासी है, आज हर आदमी सियासी है। जिंदगी मसलहत की दासी है, आज हर आदमी सियासी है, और कत्ल किसको किया है सोचो तो, किस कदर उनके घर उदासी है, और वक्त की धूप का असर क्या है, सर पे रहमत की घटासी है। आदमी है फरेब का मुतला, आदमी है फरेब का पुतला, जानवर में तो कुछ वफा सी है। और मक्ता भी देखें, शायद इरशाद मेरे हक में हो, उनके लब पे भी कुछ दुआसी है।
ये मेरा पहला कलाम था। मेरी गजलें, गीत, दोहे, राष्ट्रीय सहारा उर्दू, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, अखबारों में और मुख्तलिफ रिसालों किताबों में छप चुका है। और मैं अब अपनी गजलों के जो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे अपनी गजल, मैं उसको हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाया हजरात, मतलब मतलब पेश खिदमत है। आएगा कौन इस दिल खाना खराब में, आएगा कौन इस दिल खाना खराब में, इश्क तूने डाल दिया है अजाब में, इश्क तूने डाल दिया है अजाब में। कैसे तुम्हारे हुस्न की दूं चांद से मिसाल, कैसे तुम्हारे हुस्न की दूं चांद से मिसाल, मुझको खबर है दाग भी है माहताब में, मुझको खबर है दाग भी है माहताब में। और ये शेर भी पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए। बेपर्दगी में हुस्न की अजमत न रह गई, बेपर्दगी में हुस्न की अजमत न रह गई, लग जाते चार चांद जो होते नकाब में, लग जाते चार चांद जो होते नकाब में, तुमने दिए थे गुल कभी उल्फत में जो हमें, तुमने दिए थे गुल कभी उल्फत में जो हमें, महफूज है वो आज भी दिल की किताब में, महफूज है वो आज भी दिल की किताब में। और शेर हाजिर कर रहा हूं, तजमीन का शेर था, जायज शराब पी गया मेरे हिसाब में, मैं हाजिर कर रहा हूँ। दो तीन तजमीन है। ये हादसा नहीं है मोहब्बत की है दलील, ये हादसा नहीं है
मोहब्बत की है दलील, जाहिद शराब पी गया मेरे हिसाब में, जाहिद शराब पी गया मेरे हिसाब में। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए, इज्जत मिलेगी तुमको, इज्जत करोगे अपने पराए कि तुम, अगर इज्जत करोगे अपने पराए कि तुम, अगर इज्जत मिलेगी तुमको हमेशा जवाब में। और मक्का भी हाजिर कर रहा हूँ, लफ्जों से खेलना ही नहीं शायरी है शान, लफ्जों से खेलना ही नहीं शायरी है शान, एक हुस्न होना चाहिए तर्ज खिताब में, एक हुस्न होना चाहिए तर्ज खिताब में। हाजरीन ने महफिल, जन सरोकार मंच से ये प्रोग्राम शाद बलरामपुरी आपसे रूबरू, बताया गया था अदब का, शेर शायरी का हमारे फैमिली से कोई वास्ता नहीं रहा है, जो कुछ उस्तादों से सीखा पढ़ा मैं पेश कर रहा हूं। रवायती शायरी ज्यादातर इसको मोहब्बत, आह फुगा, फरेब के बीच रही। जदी शायरी में हर तरह के शेर गजलों में आ रहे हैं, हालात के शेर आ रहे हैं, हुकूमत को तंज करके भी शेर आ रहे हैं, इसको मोहब्बत के भी शेर आए हैं। अब तमाम नजरिए से जदी शायरी हो रही है, ये रवायती शायरी और जदीद शायरी का एक फर्क था। उर्दू के हवाले से आज आलमी उर्दू डे है, इस मौके पर एक शेर मैं हाजिर कर रहा हूं। रूठ कर जाना यूं महफिल से मेरी शीरी उर्दू, रूठ कर जाना यूं महफिल से मेरी शीरी उर्दू, अब भी बैठे हैं तेरे नाज उठाने वाले, अब भी बैठे हैं
तेरे नाज उठाने वाले अब भी बैठे हैं। जन सरोकार मंच की पूरी टीम का शुक्रिया, खासकर देवेंद्र साहब का जिन्होंने इस नाचिस को मंच प्रदान किया। बधाई के पात्र हैं। अब मैं अपनी गजलों के कुछ और चुनिंदा शेर आपके हवाले कर रहा हूं। 5-7 मिनट और बचे हैं प्रोग्राम में, मैं हाजिर कर रहा हूं शेर। तेरे जो हवा शोलों को हमराह ले के आई है, जो हवा शोलों को हमराह लेके आई है, लग गई आग तो खामोश तमाशाई है, लग गई आग तो खामोश तमाशाई है। और ये हुस्न मतलब भी हजरत समाप्त कर लें। इसलिए भीड़ में हर शख्स तमाशाई है, इसलिए भीड़ में हर शख्स तमाशाई है, ये जो मकतूल है कातिल का सगा भाई है, ये जो मकतूल है कातिल का सगा भाई है। और इस गजल का बच्चा भी समाप्त कर लें हजरात। गैर फिरता है तेरी बाहों में बाहें डाले, गैर फिरता है तेरी बाहों में बाहें डाले, शाद के साथ तेरी याद है तन्हाई है, शाद के साथ तेरी याद है तन्हाई है। और एक गजल के शेरों तहत में हाजिर कर रहा हूं। अर्ज किया है, पुरखार पुर खतर है सफर, सोच लीजिए। पुरखार पुर खतर है सफर, सोच लीजिए। हर गाम पे रहजन का है डर, सोच लीजिए। और दुनिया के सीमो जर में मुलव्वस न हो मगर, दुनिया के सीमो जर में मुलविस न हो बहुत, वरना खुदा भी लेगा खबर, सोच लीजिए। और उस बेवफा की याद में रोएंगे घर हुजूर, उस बेवफा की याद में रोएंगे घर हुजूर, भर जाएंगे दामन में गुहर, सोच लीजिए। और अशकों से आप यारी अगर कीजिएगा शाद, अश्कों से आप यारी अगर कीजिएगा शाद, सूख जाएगा उल्फत का शजर, सोच लीजिए। सूख जाएगा उल्फत का शजर, सोच लीजिए। और एक गजल के दो शेर, तीन शेर इस तरह से मुख्तलिफ गजलों के एक मतलब दो तीन शेर मुक्ता मैं हाजिर कर रहा हूं। यतीमों से यहाँ आखिर सखावत कौन करता है, यतीमों से यहाँ आखिर, यतीमों से यहाँ आखिर सखावत कौन
करता है अनार जर में डूबे सब, अनार जर में डूबे सब, इनायत कौन करता है अनार जर में डूबे सब। गले तक रहनुमा सारे, गले तक रहनुमा सारे, करप्शन में तो है डूबे, गले तक रहनुमा सारे, गले तक रहनुमा सारे, करप्शन में तो है डूबे, गरीबी को मिटाने की सियासत कौन करता है, गरीबी को मिटाने की सियासत कौन करता है। और मक्का भी हाजिर कर रहा हूँ, ये दुनिया है यहाँ हर आदमी बंदा गरज का है, ये दुनिया है यहाँ हर आदमी बंदा गरज का है, किसी से शाद बे मकसद, किसी से शाद बे मकसद, मोहब्बत कौन करता है यतीमों से यहाँ आकर, सखावत कौन करता है। मैं वक्त भी अख्ताम पे है, मेरी नजर वक्त पे है, मैं शुक्रगुजार हूँ जन सरोकार मंच के टीम के सभी साथियों का, जिन्होंने नाचिस को मौका दिया, और उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो प्रोग्राम से जुड़े, मुझे सुना, हौसला अफजाई मेरी की, और आखिर में एक पैगाम नए शायरों के लिए, आजकल के शायरों के लिए जो शायरी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या शेर कह रहे हैं, पढ़ें उरूज सीखें उस्ताद के जेरे निगरानी रहें, किसी का कलाम लेकर आए मंच पर ना पढ़ें, टूटा फूटा जो भी कह सकें अपना कहें, उस्ताद को दिखाएं और सीखते चले जाएं उसकी बारीकियों को। एक शेर और पैगाम, सोई हुई ये कौम है जागेगी कैसे शाद, सोई हुई ये कौम है जगेगी कैसे शाद, परचम भी रहे बरी का उठाता नहीं कोई, परचम भी रहे बरी का उठाता नहीं कोई। मैं इसी पैगाम के साथ, इसी दर्द के साथ, मैं शायरी का सफर को विराम दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। एक बार फिर से जेएन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जन सरोकार मंच के सभी साथियों का, पूरी टीम को शुक्रिया, धन्यवाद।